नमस्कार। सुप सृजन नेटवर्क की शुद्धता रंगधारा आपके सामने है। रंग हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो रंग हमारे सारे तनाव को खींच लेते हैं। वो हमारे जीवन में खुशियां भर देते हैं। रंग जीवन के विविध रंगों का प्रतीक है। तो रंगों की इस दुनिया में जब शुभचिता युवा प्रतिभा सम्मान के जरिए हमने युवाओं को जोड़ा तो उसके पीछे एक मकसद था, एक उद्देश्य था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुभ सृजन नेटवर्क का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं को रोजगार परक बनाना है और साहित्य को शब्दों से आगे कला की दुनिया से जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि कला की दुनिया से साहित्य जुड़ा नहीं है, साहित्य जुड़ा है परंतु अभी तक उसे रोजगार परक बनाना संभव नहीं हो पाया है। हम सब जानते हैं कि युवाओं में बहुत ताकत है। कम से कम मैं जब से काम कर रही हूँ बच्चों के साथ तो मैंने देखा है उनकी बहुत सी ऐसी ऊर्जा है जिसका सदुपयोग हो सकता है। और जब हम उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं, जब उन्हें हम उनके संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वे सक्षम होते हैं। और जब सक्षम युवा देश का नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से एक सशक्त देश बनेगा। ये तो बात रही उद्देश्य की। इस कड़ी में आज हम पहली बार आपके लिए लाए हैं रंगधारा। रंगधारा एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप विभिन्न विधाओं में युवाओं को, बच्चों को, उनकी प्रतिभा को निखारते हुए देखेंगे, उनकी प्रतिभा के विविध आयाम देखेंगे, अलग अलग रूपों में देखेंगे, नाटकों में देखेंगे, आवृत्ति में देखेंगे और चित्रकला में देखेंगे, फोटोग्राफी में देखेंगे। और इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रतिभा किसी एक विधा में सीमित नहीं है, प्रतिभा को किसी एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं रंगधारा के। इस रंगधारा में आज हम आपके सामने पहली बार लेके आए हैं ऑनलाइन चित्र प्रदर्शनी और कविता पोस्टर प्रदर्शनी। ये आज के वीडियो में आप जो कुछ भी देखेंगे ये सब बच्चों ने बनाया है, परिकल्पना भी उन्हीं की है और रंगधारा के तहत ही हम काव्य आवृत्ति काव्य कविता कोलाज का जो दूसरा वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं उसकी परिकल्पना भी इन्हीं बच्चों ने बनाई है। शुभजिता ने सिर्फ मंच दिया है और यही उसकी कोशिश है, मगर ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप उनकी प्रतिभा को सराहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों से लेकर, और शायद आपको भी लगता है, कि संस्थानों में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, पुरस्कार समारोह होते हैं, जितने भी साहित्यिक काम होते हैं, अगर उनको साहित्य से जोड़कर देखा जाए, जीवन से जोड़कर देखा जाए तो बातें अधिक समझ में आएंगी। इन बच्चों ने जो कुछ भी बनाया है आप उनसे बनवा सकते हैं और एक शुल्क देकर उनसे खरीद भी सकते हैं। शुल्क देकर पंजीकरण जो बच्चे युवा करना चाहें शुभ सृजन संपर्क में उनका स्वागत है। और बड़े अगर उनकी कलाकृतियों को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से बाजार की तुलना में ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा। हमारी जो योजना है हर हाथ में किताब, उसके ज़रिए हम जानते हैं कि जब किताब कोई छपती है तो किताब का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ छप जाना नहीं होता है और ना ही वो पहली और अंतिम प्रक्रिया होती है। किताबों की टाइपिंग, अनुवाद और उनके जो कविता पोस्टर हैं, उनका जो कवर होता है, उसके अंदर के जो चित्र हैं, एक बहुत गहन प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि जब हम इनसे युवाओं को जोड़ेंगे और जब वो आपसे जुड़ेंगे, जब वो आपसे सीखेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी, सृजन और बेहतर होगा। हमारा जो उद्देश्य है, हम जिस मुहिम को लेकर चले हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पत्थर तो हमने उछाल दिया है, अब उसे संभाल कर
उड़ान देने की बारी आती है। आज के कार्यक्रम यानी रंगधारा का जो संचालन है वो प्रीति कर रही हैं, संयोजन भी उन्होंने ही किया है। और आप जो चित्र प्रदर्शनी देखेंगे इनमें बच्चियों ने अपनी कला के बारे में खुद समझाया है। चित्र जो हैं अलग अलग वो उपलब्ध हैं, इसके लिए आप अगर आपको अपनी किसी किताब के लिए चाहिए या पोस्टर के रूप में चाहिए या किसी और रूप में चाहिए तो वो आपके अनुरोध के आधार पर हो सकता है। आपको बस करना इतना है कि जो भी चित्र पसंद आए उसके साथ हमसे संपर्क करें, जिसने बनाया है हम आपसे उसे मिलवा देंगे और इस तरह से उनको एक आर्थिक राशि अगर मिलेगी तो ये उनके काम आएगी। और सब जानते हैं कि आर्थिक स्वावलंबन ही हमें आगे की दिशा दिखाता है और मुझे लगता है कि इससे बेरोजगारी पर एक नियंत्रण होगा और बच्चों के पास एक प्लान भी रहेगा, क्योंकि अधिकतर भाषा और साहित्य के जो बच्चे हैं उनमें देखा जाता है कि वो सिर्फ एक दिशा में जाते हैं, जबकि उनमें इतना हुनर छिपा हुआ है, इतनी प्रतिभा छिपी हुई है, तो अगर वो उनका सदुपयोग करें तो कई अन्य क्षेत्रों में वो आगे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो, आज की पहली रंगधारा ऑनलाइन चित्र प्रदर्शनी और कविता पोस्टर प्रदर्शनी आपके सामने है। मैं जो आगे की जो कार्रवाई है आज प्रीति को देती हूँ, आप उनसे सुनिए और आपको देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। शुभजिता को पसंद कीजिए, शुभजिता को साझा कीजिए, अगर आप युवा हैं तो जुड़िए, ये आपकी ही नहीं सबकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रीति साव आज रंगधारा की पहली कड़ी यानी ऑनलाइन चित्र और कविता पोस्टर प्रदर्शनी में आप सबका स्वागत है। आज नमिता सिंह और संचिता सिंह अपने अपने चित्र लेकर प्रस्तुत हैं। इनके चित्र बेहद प्यारे भी हैं और उतने सुंदर भी हैं। कविता पोस्टर कोलाज आज इसे बनाया है दीपा ओझा ने। मुझे पता है आप सभी इसे झटपट देखना चाहेंगे, तो मैं देर नहीं करती, आइए हम सब मिलकर देखें आज रंगधारा की पहली कड़ी में ऑनलाइन चित्र और कविता पोस्टर कोलाज प्रदर्शनी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नमिता कुमारी सिंह है, मैं एमए हिंदी की छात्रा हूँ। मुझे चित्रकला में बहुत ही रुचि है, मुझे ड्राइंग्स करना बहुत ही पसंद है और जो आपके सामने मैं कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ, मेरी कुछ ड्राइंग आपके सामने प्रस्तुत है। ये एक प्राकृतिक का सुंदर उदाहरण है जिसमें झरने, पहाड़, हरियाली दर्शाती हैं। ऐसे ही मेरे बहुत सारे आप ड्राइंग हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे ये एक है जिसमें मैंने फूल, घर बनाए हैं और हरियाली को दर्शाया है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक गहरा संबंध है। स्त्री के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। समाज इतना आगे बढ़ते हुए भी स्त्रियों की ये दशा है। जिंदगी की हर सुबह एक नई खुशियाँ, उमंग लेकर अपने साथ लेकर आती है। इसमें इस पेंटिंग में मैंने ये दर्शाया है। पेंटिंग में मैंने राधे कृष्ण के प्रेम को दर्शाया है। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। पशु कोई चीज नहीं है बल्कि जीवित जीव है जो हमारी करुणा, सम्मान, दोस्ती और समर्थक के योग्य है। इसमें मैंने बुद्धा की ड्राइंग की है जिसमें मैंने चार कलर यूज किया है, ब्लैक, रेड, वाइट और येलो। मैंने मंदिर के ऊपर बनाया है
जिसमें ईश्वर के दरबार में सभी लोग बराबर होते हैं। मातृत्व प्रेम को इसमें मैंने दर्शाया है, जो अपने बच्चे को किस तरह प्रेम करती है। ये समाज की इस रूपरेखा को दर्शाती है जो इस कर सकता है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ प्राकृतिक दृश्यों पर भी चित्र बनाए हैं,
जैसे ग्रामीण दृश्यों पर और संध्या वेला की प्राकृतिक सौंदर्य पर, जिनमें से ये एक है जो ग्रामीण दृश्य पर बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे घर और पेड़ पौधों के सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किया है और इसके पहले भी जितने स्केचेस वगैरह के सबसे हमारी जो शुभ सृजन युवा की टीम है उनमें कुछ रचनाकारों ने बहुत ही खूबसूरत कविताओं की रचना की है जो जल और प्रकृति पर आधारित है, जिसमें जल और प्रकृति की खूबसूरती, उनकी महत्वता और साथ ही साथ उनकी स्वच्छता पर विशेष रूप से बल दिया गया है। उनकी इन्हीं रचनाओं के आधार पर मैंने कुछ पोस्टर्स तैयार किए हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप सभी के आवश्यकता और रुचि के अनुसार आप सभी को उपलब्ध भी हो पाएंगे।
मैं उन रचनाकारों के नाम, उनकी रचनाओं के विषय में और साथ ही साथ अपने उन पोस्टर्स के विषय में कुछ बताना चाहूँगी आप सभी को। सबसे पहला नाम है निकिता पांडे जी का, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत संदेश दिया है। उनकी कविता का नाम है जल की धारा। जिस प्रकार जल की धारा को कोई रोक नहीं सकता, वह निरंतर अपनी विषम से विषम परिस्थितियों में भी बहती रहती है, और साथ ही साथ यदि उसे किसी भी पात्र में डाला जाए तो वह वही आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भी अपना व्यक्तित्व विषम परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना चाहिए, और साथ ही साथ हर विकट से विकट परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इनकी कविता के लिए मैंने जो पोस्टर लिया है वो एक पहाड़ों से बहते हुए झरने की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है, और उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पर्वतों को काटते हुए एक झरना अपना मार्ग ढूंढ लेती है। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। दूसरी रचना है, उसका शीर्षक है मृदुल रागिनी, जो मेरी रचना है, जिसमें मैंने संध्या के आगमन और उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है, साथ ही सूरज की लालिमा और उस पर बिछती हुई चांदनी का भी वर्णन करने का प्रयास किया है। मेरे इस कविता की प्रेरणा मेरे लिए महाकवि निराला जी की संध्या सुंदरी रही है, और इस कविता के लिए जो मैंने पोस्टर लिया है वो ढलते हुए सूरज की और साथ में आती हुई चांदनी की रोशनी के जो बीच का जो समय होता है उसका मैंने लिया है, जो मेरी इस कविता के शब्दों को परिभाषित करती है। हमारी जो अगली रचना है उसका शीर्षक है जल की व्यथा, जिसकी रचनाकार है पार्वती शॉ। इन्होंने सच में अपनी कविता में जल की व्यथा का वर्णन किया है, और ये इतना खूबसूरत वर्णन है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहती हूँ कि ये कविता मुझे सच में बहुत पसंद आई है। इन्होंने कितनी ही सरल शब्दों के साथ इतनी महत्वपूर्ण और गूढ़ बात बता दी है कि हम आज पैसे को तो संभाल कर रखते हैं, लेकिन जल, जो कि हमारे जीवन का आधार है, उसे नहीं संभाल कर रखते। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जिस प्रकार हम पैसे को संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार जल की हर एक बूंद को भी संभाल कर रखें, और साथ ही साथ जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम जल का ध्यान रखें, क्योंकि जल है तो उसी से हमारा जीवन भी है। इनकी इस रचना में मैंने जो अपना जो तस्वीर ली है, जो पोस्टर बनाए हैं, उसमें मैंने एक लंबी नदी की तस्वीर ली है, और साथ ही साथ उसके साथ उस जल से उत्पन्न हुए प्रकृति, उस जल से निर्मित हुए प्रकृति, पेड़ पौधों की जो खूबसूरत रचना है, जो कि प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत रचना है, उसका दृश्य है, उस तस्वीर को मैंने ली है, जो कि मुझे आशा है आप सभी को पसंद आएगी। हमारी जो अगली रचना है वो है संचिता सिंह की, जिसका शीर्षक है जल यानी नीर, जिसमें इन्होंने जल और नारी के व्यक्तित्व की समानता को दर्शाया है। बताया है कि जिस प्रकार से जल सदैव ही दूसरों के प्रति समर्पित रही है, उसी प्रकार नारी भी सदैव से दूसरों के जीवन के प्रति समर्पित रही है। साथ ही ये भी दर्शाया है कि जल की ही भांति सैलाब लाकर सब कुछ ध्वस्त कर देने की भी शक्ति नारी रखती है। उनकी इस रचना के लिए मैंने जो पोस्टर लिया है वो एक नदी का है, और साथ ही उसके माध्यम से उगते छोटे पौधों और साथ ही उस जल में उगते पुष्पों को दर्शाया है कि जिस प्रकार वो जल सबको जीवन देती है, ना कि सिर्फ मनुष्यों को बल्कि प्रकृति को भी जीवन देती है। नारी का व्यक्तित्व सच में जल की ही भांति है, जो सदैव से दूसरों के लिए समर्पित रही है,
और एक प्रकार से जल भी हमारी जननी है, हमारी जीवनदायी है। इसके पश्चात हमारी अगली और अंतिम जो कविता है वो है प्रियंका सिंह की जल और मनुष्य, जिसमें इन्होंने संकल्प लेने के लिए कहा है सभी मनुष्यों से कि हम जल को सुरक्षित रखें, क्योंकि जल से ही हमारा सुख और हमारा जीवन निहित है। और मैंने इसी से संबंधित पोस्टर भी लिए हैं अपना। ऐसी तस्वीर है जो उनके शब्दों को, उनकी कविताओं के शब्दों को पूरी तरीके से परिभाषित करती है। आशा है कि ये सारी रचनाएं और ये पोस्टर्स आप सभी को बहुत पसंद आएंगे।